सर जिले के कुछ स्वास्थ्य चिकित्सकों के खिलाफ आपने वेतन रोकने की कार्रवाई की है, क्या मामला है सर पूरा और क्या इसमें कार्रवाई आएगी? नहीं, वर्तमान में मौसम के दृष्टिगत बहुत सारी अधिक संख्या में लोग जो हैं वो अपना इलाज कराने के लिए हमारे अस्पतालों में आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि डॉक्टर्स जो हैं वो समय से अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि शासन की ये स्पष्ट निर्देश है कि समय से ओपीडी हो। हमारा जो CHC चंदौसी है और जिला चिकित्सालय है वहां पर प्रातः 8 बजे से, और अन्य समस्त CHC पर प्रातः 10 बजे से ओपीडी शुरू होने का समय है, और सभी चिकित्सकों को अपने तैनाती स्थल पर ही रुकने का भी निर्देश है। लेकिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से जब इसकी रिपोर्ट हमने चेक करवाई है तो ऐसे कई चिकित्सक पाए गए हैं जो या तो अपनी अटेंडेंस को मार्क नहीं कर रहे हैं या फिर काफी दिन अनुपस्थित रहे हैं, और कई ऐसे चिकित्सक भी हैं जो निर्धारित समय से 1 या 1.5 घंटे की देरी से आए हैं। ऐसे समस्त चिकित्सकों की हमने जो रिपोर्ट के आधार पर सूची तैयार करवाकर उनका 1 सप्ताह का वेतन रोकते हुए उनका स्पष्टीकरण जारी किया है। अगर वो किसी प्रकार का कोई उचित कारण नहीं बता पाएंगे या फिर उनकी कार्यशैली में सुधार नहीं आएगा तो इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर ये चिकित्सक सर ये जो सर कौन कौन से कहाँ कहाँ पर तैनात है? ये पूरे जनपद के विभिन्न अस्पतालों में ही अलग अलग स्थानों पर तैनात हैं। सभी चिकित्सालयों की, सभी CHCs की और हमारे जिला अस्पताल की इसमें रिपोर्ट निकाली गई है और उसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई है।